और में 411 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली जिला कोर्ट की नई इमारत के लिए शनिवार सुबह भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जज वकील उपस्थित थे। भूमि पूजन में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, विधि मंत्री रामपाल सिंह कार्यक्रम में शामिल हुए। बाद में मुख्य समारोह बायपास स्थित अंबर कन्वेंशन सेंटर में हुआ। नई इमारत 9 मंजिला होगी। निर्माण कार्य 30 महीने में पूरा किया जाएगा। इसके लिए सुबह जस्टिस मिश्रा और जस्टिस गुप्ता ने पिपलियाहाना तालाब के पास भूमि पूजन किया। इसके बाद दोनों जस्टिस ने सेंटर पहुंचकर संबोधित किया। कार्यक्रम में प्रशासनिक न्यायमूर्ति पीके जायसवाल, भवन निर्माण समिति के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी, पोर्टफोलियो जज एससी शर्मा भी शामिल हुए। और इसलिए जिस तरीके से, जैसे अभी उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले भी इंदौर में कुछ ब्रिजेस बनाने के लिए, उसमें आज जहां आपका कोर्ट बन रहा है वहां का भी और ब्रिज बन रहा है सबकी सुविधा के लिए, तो इसके लिए यहाँ पर आए थे। आज कोर्ट बिल्डिंग के भूमि पूजन के लिए आए थे, तो काम में विश्वास करने वाले ऐसे हमारे रामपाल सिंह जी। आप ही बोलता हूँ, ये न्यायालय आम जनता के लिए है, जन जन के लिए है, इसमें आधारभूत सुविधाएं, इसका नंबर ऑफ कोर्ट्स बढ़ना आवश्यक है, इसमें ये आवश्यक है कि हम पर्याप्त न्यायाधीशों को बिठा सके, ऐसा न्यायालय हो। ये जो न्यायालय आज बनेगा ये भी आगे जाके छोटा पड़ेगा, अगर इसको भविष्य की चिंता के साथ ही बनाया गया, आगे 100 वर्ष की कितनी आवश्यकताओं से निर्धारित करके नहीं बनाया गया, तो फिर आगे एक बार फिर उन्होंने इस न्यायालय में यहाँ से शिफ्ट न किया।